चलो चाय ही पढ़ लेते हैं पहले, चाय ही। चाय के बारे में एक जानकारी दे दूं मैं, चाय जो है ना आपके देश का उत्पादन नहीं है, पहली बात जानकारी के लिए बता। अंग्रेज आए थे जब इस देश में, तो चाय का पौधा साथ में लाए थे, और उन्होंने भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो अंग्रेजों के अनुकूल, जहां ठंड ज्यादा पड़ती है, उन स्थानों पर पहाड़ियों पर चाय के पौधे लगवा दिए, तो उसमें से चाय होने लगी। अंग्रेज अपने साथ चाय लेके आए थे, भारत में चाय कभी हुई नहीं, 1750 के पहले इस देश में एक भी चाय का कहीं नामो निशान नहीं था। ब्रिटिशर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, तो उन्होंने चाय के बगान लगाए, उन्होंने अपने लिए लगाए। क्यों लगाए? चाय एक मेडिसिन है, इस बात को ध्यान से सुनिए, चाय एक मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है चाय मेडिसिन है, और जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाई रहता है चाय उनके लिए जहर है। सर आपके न्यूज़पेपर में है चाय मोटापा कम करती है, बता रहा हूं ना। आगे बढ़ते हैं, चाय उन सब के लिए जिनको ब्लड प्रेशर कम रहता है अमृत है, मेडिसिन है लो बीपी वालों के लिए, लेकिन चाय उन सब के लिए जहर है जिनको बीपी हाई रहता है या नॉर्मल रहता है। अब अंग्रेजों की एक समस्या है, आज भी है, वो हजारों साल से, सभी अंग्रेजों का बीपी लो है, सिर्फ अंग्रेजों का ही नहीं, अमरीकियों का भी, कैनेडियन लोगों का, फ्रेंच लोगों का, जर्मन लोगों का, स्वीडिश लोगों का, डेनिश लोगों का, सबका बीपी लो है। कारण क्या है? बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, बहुत ठंडे इलाके में, उनकी ठंड का तो हम सोच नहीं सकते। सर एक चीज, तनाव टेंशन डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है, मैं बताता हूँ अभी, एक बात पूरी